यही है ज्ञान। तो नैनम छिंदंती शास्त्राणी, इस संसार में ऐसा कोई शास्त्र बना ही नहीं है जिसके द्वारा आत्मा को छेदन किया जाए। हम केवल शरीर को काट सकते हैं, लेकिन शरीर में रहने वाला जो शरीर ही है उन तक हम पहुंच नहीं सकते, वो हमेशा ही निर्लिप्त रहता है। उन्हें कहता है अक्षरा, अक्षरा जो हमेशा ही एक दृष्टा स्वरूप रहते हैं, वो केवल दृष्टा स्वरूप ही हैं, वो इस संसार में किसी में भी लिप्त नहीं होते, इसलिए शास्त्र उन्हें छू नहीं सकता। नैनम छिंदंती शास्त्राणि, नैनम दहती पावका, उसे कभी भी कोई अग्नि से जलाया नहीं जा सकता। अग्नि से आप अपने शरीर को जला देंगे, अंतिम संस्कार कर देंगे शरीर का, लेकिन शरीर में रहने वाला जो शरीर ही है, देही है, देह का दाह कर देंगे, लेकिन देही का वो देही को अग्नि स्पर्श तक नहीं करेगा। देही जो है वो इन सब से मुक्त है। नैनम दहती पावका, उस आत्मा को ये अग्नि द्वारा कभी भी जलाया नहीं जा सकता। नैनम क्ले दयन तापो, और आपा मतलब पानी, पानी से कभी उसको आप भिगा नहीं सकते। नैनम क्ले दयन तापो न शोषयति मारुता, और हवा से कभी उसको सुखा नहीं सकते। ये जो हवा, पानी, अग्नि, शस्त्र, ये जो ये सब है, ये प्रकृति का चीज है, वो है पुरुष, वो है पुरुष, उस पुरुष तक ये प्रकृति पहुंच नहीं सकता। नैनम छिंदंती शास्त्राणि, नैनम दहती पावका, न चैनम क्लेदयन तापो, न शोषयति मारुता, ये सब मुझे कभी भी स्पर्श नहीं कर सकता। क्यों क्यों? क्योंकि मैं नित्य सर्वगत स्थानुर अचलोयम सनातना, क्योंकि मैं नित्य हूँ, मैं हमेशा ही रहता हूँ। शास्त्र मुझे काट देगा तो मैं तो मर जाऊँगा, लेकिन शास्त्र मुझे काट ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं तो नित्य हूँ। ये मृत्यु मुझे कुछ नहीं कर सकता तो शास्त्र तो बहुत दूर की बात है। मृत्यु भी मुझे छू नहीं सकता तो शास्त्र मुझे क्या करेगा। मैं नित्य हूँ, सर्वगतः, मैं हमेशा हर स्थान पर रहता हूँ, मैं सर्वत्र ही विराजमान हूँ। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम दंडातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्षणम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं तम नमामि। हर जगह पे वो रहते हैं साक्षी की तरह। ये वो नहीं है, ये तुम हो। तुम हर स्थान पे रहते हो, तुम सर्वगत हो। और कैसे रहते हो? हर वस्तु का साक्षी बनकर रहते हो। लेकिन चूंकि तुम अपने आप को जानते नहीं हो, इसलिए तुम उन वस्तुओं में लिप्त हो जाते हो। लेकिन तुम कभी लिप्त नहीं होते, तुम हमेशा ही साक्षी रहते हो। नित्यम सर्वगत स्थानुरा, तुम्हारे भीतर कोई भी स्पंदन नहीं है, तुम शांत हो। शांत, स्वामी जी मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मेरा बहुत स्पंदन हो रहा है। बोले क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को जानते नहीं हो, इसलिए तुम्हें स्पंदन होता है। अपने आप में खड़े रहो, अपने आप में आओ, अपने आप को देखो, अपने स्वरूप में जाओ। अपने स्वरूप में जाओगे, देखोगे कोई स्पंदन नहीं है, तुम शांत हो, शांत चित्त, शिव जी की तरह, शिव जैसे शांत है, समाधिस्थ, हमेशा समाधिस्थ। उसी प्रकार से तुम भी शांत हो, तुम्हारा स्वरूप है वो। तुम्हारे अंदर कोई भी चंचलता नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई भी स्पंदन नहीं है, तुम निस्पंदित हो। तुम निस्पंदित शुद्ध चैतन्य हो, निस्पंदित शुद्ध चैतन्य हो तुम, वही तुम्हारा स्वरूप है। शुद्ध चैतन्य जिसमें कोई अशुद्धि का लेश मात्र नहीं है। इसलिए मादालसा बोल के एक माँ थी, वो अपने बच्चे को सुला रही है, बच्चे को लोरी सुना रही है। क्या? तमसी निरंजना
तमसी मिदं जना। तुम ही शुद्ध स्वरूप हो, तुम निष्पाप हो, तुम्हारे अंदर कोई दाग नहीं है। माँ अपने बच्चे को सुना रही है तमसी निरंजना, तमसी निरंजना। वो बच्चा बड़ा होकर एक बहुत बड़ा मानव बना, तपस्वी बना, एक बहुत बड़ा ज्ञानी बना, क्योंकि बचपन से उसने सुना मेरे अंदर कोई भी गंदगी नहीं है, मल नहीं है, मैं निर्मल हूँ, मैं निर्मल हूँ, मेरे अंदर कोई मल नहीं है, मेरा स्वरूप है, मैं निर्मल हूँ, मेरे अंदर कोई अंजन नहीं है, कोई दाग नहीं है। तमसी निरंजना, बच्चाटाके जखन घुम पाड़बि ना बोलबि तमसी निरंजना, तमसी निरंजना, तमसी निरंजना। देखबि बच्चाटा बड़ो हये अनेक भालो होबे। तो बच्चों को जब नींद में सुलाओगे तो भीतर भीतर बोलना तमसी निरंजना, तमसी, उसको सुनाना पड़ता है। हम लोग ये सब अगर बचपन से सुनते हम लोगों का भारतवर्ष दूसरा हो जाता, तो बहुत बड़े होकर भगवान जी के सामने जाके सुन रहे हैं। अगर ये सब हम लोग अपने घर में बचपन से सुनते, ये जो आत्म तत्व, देखो तुम आत्मा हो, तुम्हारे भीतर तुम ज्योति स्वरूप हो, तुम्हारे अंदर कोई भी पाप नहीं है, तुम निष्पाप हो, ये बचपन से सुनते तो हम लोग का जीवन बहुत सुंदर होता, हमारा देश बहुत बहुत सुंदर होता। पहले बोलते थे ना देश इतना बड़ा था, इतना सुंदर था देश में, क्यों था? क्योंकि बचपन से बच्चों को ये तत्व सुनाया जाता था, ये छोटे से ये सुन के बड़े होते थे, इसलिए उनके मन में कोई ईर्षा, हिंसा, द्वेष, किसी प्रकार का कोई दुर्बलता नहीं होता था। वो सब लोग सबल थे, क्योंकि उसको पता था कि मुझे 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 चोरी करके, मिथ्या बोल के, किसी को ठगा करके कोई जरूरत ही नहीं होगा, मेरे पास ही सब कुछ है, मेरे भीतर ही सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं स्वयं ईश्वर हूँ। तो उसके भीतर वो ज्ञान था, इसलिए ना चोरी करते थे, ना कभी झूठ बोलते थे, ना कभी वो करते थे। अभी वहाँ से हम लोग जब छोड़ दिए तब हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग कुछ नहीं है, छोटे हैं, वो लोग बड़े हैं, उन लोगों का देखो ना कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, उसके पास इतना पैसा है, और सब लोग चाटुकार की तरह हम लोग बन गए। उसको वो कर रहे, उसको तेल लगा रहे, उसको वो कर रहे। बोले ये बचपन से सुनाना पड़ता है, बच्चों को सुनाओ तमसी निरंजना, तमसी निरंजना। तुम देखोगे तुम्हारे बच्चे बड़े होके बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे। तो नित्य सर्वगत स्थानुरा, तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का कोई चंचलता नहीं है, तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का कोई स्पंदन नहीं है, तुम निष्पंद हो, तुम निष्पंद शुद्ध चैतन्य हो, शुद्ध चैतन्य हो तुम वो शुद्ध चैतन्य हो। अपने आप को ये शुद्ध चैतन्य जानो कि तुम ये शुद्ध चैतन्य हो। जानने के लिए क्या करना होता है? धारणा। हाँ, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, इसको धारणा करना पड़ता है। इसलिए कहता है कि गुरु के बात पे श्रद्धा रखना चाहिए। श्रद्धा मतलब विश्वास, श्रद्धा मतलब सम्मान नहीं, श्रद्धा मतलब है विश्वास करना। गुरु ने कहा है, सत्य है ये, उसमें विश्वास करना। और जीव तुम विश्वास करो, जैसे हम लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक मेडिसिन देता है, उस मेडिसिन को खाते हैं। अगर उस मेडिसिन के बारे में, उस डॉक्टर के बारे में मेरे मन में कोई संशय है, वो मेडिसिन काम नहीं करेगा। अरे वो दिया है, ऐसे खाओ, देखना वो मेडिसिन काम नहीं करेगा। जानते हो? और अगर तुम्हारा बहुत बड़ा कोई समस्या हुआ है, तुमको सामने कोई बोले कि अरे ये देखो ये अमृत है, ये लो ये खाओ, खा लो, वो कुछ नहीं है, वो खा ले ठीक हो जाओ। श्रद्धा से, विश्वास से। एक बार विभीषण, राजा विभीषण के पास जब वो लंका के राजा थे, तब एक आदमी आया, बोला विभीषण जी मैं थोड़ा भारतवर्ष में जाऊँगा, आप थोड़ा व्यवस्था कर दीजिए ना, ये कैसे करके हम समुद्र के ऊपर से कैसे जाएंगे, थोड़ा व्यवस्था कर दीजिए ना। विभीषण बोले ठीक है, काम करो, हम तुमको एक चीज़ देते हैं, उसको पॉकेट में रख के जाओ, लेकिन देखो उसको खोलना मत। अच्छा, तो एक तो लीक दिए, लीक के पॉकेट, बोले इसको तुम अपने जेब में रखो, यही तुमको ले जाएगा। वो जेब में रख के वो व्यक्ति जब समुद्र के ऊपर चलने लगा, वो देखे कि वो पानी के ऊपर चलने लगा,
पानी के ऊपर चलते चलते जब आधा रास्ता जब चला गया तब उसको लगा अच्छा विभीषण जी ने क्या लिखा है इसमें, जैसे आप पानी में चल रहे हैं। तो उसको खोला, खोल के देखा उसमें लिखा हुआ है राम, राम नाम लिखा हुआ है राम। बोले राम नाम से इतना ही है, राम नाम से हम ऐसे पानी में चल रहे हैं। जी हुई उसके मन में थोड़ा संदेह हुआ, ठप कर वहीं पे गिर गया, वहीं पे वो डूब गया। इसलिए विश्वास, ठीक है, जितना ज़्यादा विश्वास हो, भगवान कृष्ण कह रहा है, क्या कह रहे हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान लाभ करने का एकमात्र रास्ता है श्रद्धा, मतलब गुरु में विश्वास, गुरु के बात पे विश्वास। वो नहीं बोला कि ज्ञान लाभ करने के लिए तुम ध्यान करो, तुम जाप करो, तुम तपस्या करो, हाँ सारा दिन, बोला नहीं, श्रद्धावान गुरु बोल रहा है उसको विश्वास करो, धारणा करो, उसको लो, उसको लो, ग्रहण करो। जी ही तुम ग्रहण करोगे देखोगे तुम्हारा वो काम कर जाएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संजित इंद्रिया, इसके बाद तुम इंद्रियों को संयम करने में तत्पर बनोगे। ज्ञानम लब्धा पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति, और इस ज्ञान से तुम्हें ऐसा शांति प्राप्त होगा जो कभी भी तुमसे छूटेगा नहीं, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। श्रद्धा, ठीक है, तो ये है, इसको धारण करो। नित्य सर्वगत स्थानुर अचलोयम, तुम कहीं पर भी चलते नहीं हो, क्यों, क्योंकि जहाँ पर भी चलोगे वो तो तुम हो, तुम्हारे लिए अलग से जगह कहाँ है, सब जगह तुम तो अनंत हो, तुम चलोगे कहाँ। नित्य सर्वगतम स्थानुर अचलोयम सनातन, तुम ही वही सनातन पुरुष हो, तुम ही वही सनातन मतलब जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता, तुम ही वही अपरिवर्तनशील पुरुष हो। तो आज यहाँ पे रखते हैं क्योंकि साढ़े नौ बज गया, तो साढ़े दस बजे से फिर एक स्पेनिश में क्लास है। बड़ा झमेला वाला काम है स्पेनिश में क्लास देना।